दिलों की जरूरत किसे है फरहाद? हजारों धड़कते हैं आसपास। जैसे हर कहानी इंसानी फितरत की किसी न किसी हकीकत को जरूर उजागर करती है, वैसे ही सुनने वालों के लिए कोई ना कोई सबक भी जरूर छोड़ जाती है। अगर ड्रामा खुदा और मोहब्बत सीजन 3 की बात की जाए तो इस कहानी में भी इंसानी फितरत की कई हकीकतों को उजागर किया गया है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामे में बताई गई 3 ऐसी तल्ख और छुपी हुई हकीकतों के बारे में, जिनको जानकर आप ठोकर खाए बगैर बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुझे तो पता नहीं अपनी इस कैफियत को बयान भी कैसे करूं। कहते हैं अगर कोई आपको सच्चे दिल से चाहे तो सारी दुनिया हमें उस शख्स से मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन अमूमन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। और हकीकत यह है कि अगर कोई आपको सच्चे दिल से चाहता है और इस चाहत में अपना तन मन धन भी एक कर देता है, फिर भी दूसरा शख्स बदले में सच्चे जज्बातों का सिला सिर्फ बेवफाई से देता है। ड्रामे में देखा जा सकता है कि किस तरह फरहाद नामी किरदार माही की चाहत में अपनी जान जोखों में डालकर कई ऐसे मुश्किल रास्तों का चुनाव कर लेता है जिनसे वापिस आना आसान नहीं होता। क्योंकि फरहाद को ये गलतफहमी होती है कि जब वो माही से अपने सच्चे जज्बात का इजहार करेगा तो वो यकीनन उनकी लाज रखेगी, लेकिन शायद फरहाद ये भूल जाता है कि दुनिया सच्चे जज्बातों की तोहीन करती है। हम तो तेरी चौखट से अपने गम छुपा लेंगे। ड्रामे में बताई जाने वाली इंसानी फितरत की दूसरी हकीकत ये है कि जब इंसान इश्के मजाजी की हकीकत से वाकिफ हो जाता है और इंसानी फितरत के बदलते रंगों को देख लेता है, तब ऐसा टूटा हुआ शख्स अल्लाह से रजू करता है। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो इश्के हकीकी में कुछ ऐसा मुब्तला हो जाता है कि दुनिया की हर फिक्र से आज़ाद हो जाता है। फरहाद जो माही की चाहत में दर दर की ठोकरें खाता है, लेकिन इन सब के बावजूद उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। और फिर वो भी इश्के मजाजी की हकीकत को समझने के बाद इश्के हकीकी में मुब्तला हो जाता है। तुम 4 दिन की दिल लगी बोल रही हो ना, वो मेरे लिए दिल की लगी बन चुकी है। ड्रामे में नहीद नामी किरदार को भी खास तौर पर हाईलाइट किया गया है, जिसके जज्बात फरहाद के लिए बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे फरहाद के माही के लिए। और फरहाद हमेशा नाहिद के इन जज्बात की बेकदरी करता है, क्योंकि वो अपने दिल में उसके लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं रखता। और ये चीज़ मुकफाते अमल के अंसर को भी साबित करती है, क्योंकि माही भी फरहाद के सच्चे जज्बातों की बेकदरी करती है क्योंकि उसकी सोच भी मुख्तलिफ होती है। लिहाजा इन तमाम बातों से इंसानी फितरत की हकीकत ज़रूर वाजे होती है कि जब आप किसी भी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत देते हैं, तो बदले में रुसवाई ही मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।